दान में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, थोड़ा ही करो लेकिन अच्छा करो। किसी को दो तो कम से कम अच्छा तो दो। और हमारी इतनी संकीर्णता मन की होती जा रही है, हमारा मन इतना छोटा होता जा रहा है कि अपने बच्चों के लिए जब हम कुछ चीजें लाते हैं, बहुत अच्छी वाली लाते हैं, ब्रांडेड, और भगवान की पूजा में हम सुपारी भी इतनी छोटी वाली रखते हैं, नाम ही रख दिया पूजा वाली सुपारी, खुद को खाना हो तब देखो बढ़िया वाली सुपारियां, और भगवान को बिल्कुल सुखी वाली छोटी वाली सुपारी। भगवान भी तुम्हारा मन देखते होंगे कि जैसा देते हो फिर वैसा पाते भी हो। भगवान की भक्ति में हमारा मन जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं है, ये नितांत सत्य है। उदार मन से करना चाहिए, खुले मन से। जब पांडवों ने यज्ञ किया ना, राजसूय यज्ञ, तो पता है दुर्योधन को खजाने का इंचार्ज बनाया गया। युधिष्ठिर ने और धर्मराज ने, भीम ने, इन सब लोगों ने भगवान कृष्ण को पूछा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, हमारा जो ऑपोजिट है, जो शत्रु है, आप उसको इंचार्ज बना रहे खजाने का, सब लुटा डालेगा, बर्बाद कर देगा महाराज। कन्हैया ने कहा मैं यही तो चाहता हूं, क्योंकि यज्ञ में जितना ज्यादा लुटाएगा उतना ही ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगा, इसलिए यज्ञ में खूब लुटाना चाहिए, खूब दान देना चाहिए, वहां संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। तो किसी को जब भोजन कराओ तो वहां कंजूसी नहीं होनी चाहिए, दिल से भोजन कराओ। एक आदमी की शादी हुई और पहली बार वो ससुराल गया, तो नियम होता है कि भाई पहली बार जब ससुराल जाए, ऐसा कहीं कहीं का नियम होता है कि अकेले नहीं जाना चाहिए दूल्हे को, साथ में कोई हो, मित्र हो, भाई हो, कोई भी, कोई न मिले तो गांव के पंडित को ही लेकर जाओ। तो आदमी पहली बार ससुराल गया और गांव के एक पंडित को लेकर के गया। ससुराल वाले थे बड़े कंजूस, बहुत कंजूस। भोजन बनाया और नियम यह होता है कि भाई भोजन में पापड़ भी कहीं कहीं जरूरी होता है, हमने राजस्थान की ओर देखा पापड़ जरूरी। तो सास ने भोजन तो बनाया, पापड़ भी सेंक कर रखी है, लेकिन सोच रही है कि पापड़ बच जाए तो अच्छा, इतनी कंजूस। दामाद को भोजन करा रहे हो, बड़े प्रेम से भोजन करा रही, लेकिन पापड़ नहीं ला रही है, पापड़ रसोई घर में रखी, सोच रही बच जाए तो अच्छा है, भूल जाए तो ठीक। और बार बार कह रही थी कि देखो बेटे हम गांव के हैं, भोले भाले लोग हैं गांव के, इतनी खातिरदारी हमको आती नहीं, कुछ गलती हो जाए तो नाराज मत होना, क्षमा करना। बहुत देर हो गई, आधे घंटे हो गए। वो दामाद भी सोच रहा था कि भाई कब ये पापड़ लाएगी, क्योंकि भोजन पापड़ से ही पूरा होता है, वो भी उठ नहीं रहा। और आधे घंटे से सास उसको बातों में घुमा रही है, तो पंडित से नहीं रहा गया, क्योंकि पंडित जहां बैठा था वहां से उसको पापड़ दिख रहा था, ये पापड़ तो है लेकिन ला नहीं रही। तब पंडित ने खड़े होकर कहा कि वो माताजी हम भी देहाती ही हैं, और क्या बताऊं मैं तो बहुत गरीब घर का हूं, मेरा तो मिट्टी का मकान है, और अब की बार बारिश में माताजी क्या बताऊं, इतनी तेज बारिश हुई मेरा पूरा मकान गिर गया, और न जाने उसमें कितने भयंकर एक पुराना सर्प रहता था, इतना बड़ा सर्प मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखा। माता ने कहा कितना बड़ा था, बोले सच बताऊं यहां से लेकर वो पापड़ रखा है ना उतना बड़ा सर्प। तब उसने कहा अरे महाराज मैं पापड़ तो भूल ही गई थी, बोले जा इसीलिए तो मैंने सर्प निकाला, जा ले पापड़। तो कई बार भोजन कराने में भी लोग बहुत कंजूसी करते हैं, बड़ा संकीर्ण मन होता है।
किसी अतिथि की सेवा करो, संत की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, तो दिल बड़ा रखो, दिल छोटा नहीं होना चाहिए, उदार मन होना चाहिए। 2 लाख गायों का दान किया आनंद बाबा ने, स्वस्ति वाचन पाठ हुआ, और जो भी ब्राह्मण उनके द्वार पर आते हैं खुलकर उनको दान देते हैं। और दान क्या देते, अब तो खजाने का द्वार ही खोल दिया कि महाराज मेरा थोड़ी है, जिसको जो चाहिए सब ले जाओ, खजाने का द्वार ही खोल दिया, कोई द्वारपाल वहां नहीं, जिस ब्राह्मण को जो चाहिए, जिसको जो याचक को चाहिए सब ले जाओ, क्योंकि हमें जो पाना था वो हमको वो मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, अब तो कृष्ण धन मिल गया है मुझे। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास हरि नाम का धन है वही धनवान है। आज नंद बाबा को गोविंद मिल गए, इससे बड़ा धन और क्या होगा। और फिर तो सारे ब्रजमंडल के लोग जैसे जैसे सुन रहे हैं कि नंद के घर आनंद भयो, नंद घर लाला भयो है, सब दौड़े हुए चले आ रहे हैं। 5 वर्ष की वृद्धा से, 5 वर्ष की बालिका से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक, हर प्रकार की गोपी आज श्रृंगार सजी, बड़े बड़े लहंगे पहने और श्रृंगारित होकर नंद बाबा के महल पर आती हैं, नंद बाबा के द्वार पर आती हैं। सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां, सारा ब्रजमंडल आज यशोदा मैया के द्वार पर। नंदालयम सबलया व्रज तिरबिरेजुः, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गले में हार पहनी है, कानों में कुंडल पहनी है, आंखों में कजरा लगा है, सारे आभूषण से युक्त गोपियां सज धज कर नंद बाबा के द्वार पर आई। और सबको ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है कि लाला नंद बाबा के यहां नहीं, मेरे यहां आया, ऐसे अपनत्व भाव से। और सब आकर के यशोदा मैया को बधाई देती है। लेकिन अभी एक सदस्य उत्सव में भाग नहीं ले रहा था, बलराम की माता जी रोहिणी, क्योंकि वहां मथुरा में पतिदेव कारागृह में थे ना, और पति संकट में हो, ऐसे समय में पत्नी किसी उत्सव में भाग कैसे ले सकती है। लेकिन नंद बाबा ने जिद कर लिया कि नहीं नहीं भाभी जी, जब तक आप नहीं आएंगे मैं भी उत्सव में नहीं जाऊंगा। तो नंद बाबा के प्रेम के कारण रोहिणी माता को नियम तोड़ना पड़ा। भाई जब बहुत प्रेम हो जाता है ना, तो वहां बहुत सारे नियम नियम नहीं चलते हैं, प्रेम में नियम कहां होता है। पहली बार जब मिलते हैं 2 अजनबी तो वहां कितनी औपचारिकता होती है, कितने प्रेम से कहते हैं आइए आइए बैठिए। लेकिन 2-4 बार जब मिल लेते हैं थोड़ा प्रेम और बढ़ जाता है, तो अब आइए बैठिए से शब्द चेंज हो जाता है, आओ बैठो। हाँ, लेकिन और जब दिल मिल जाता है तो फिर क्या कहते, आ बैठना यार कहां जा रहा है। हाँ, फिर प्रेम में शिष्टाचार नहीं रह जाता, प्रेम में फिर नियम भी नहीं रह जाता। रोहिणी माता भी आती हैं और सुखदेव ने अपनी कलम से लिखा, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरद दिव्यवा सहस्र कंठा भरण भूषिता। रोहिणी च महाभागा
आज माता रोहिणी के आने से उत्सव में और चार चांद लग गए। धीरे धीरे उत्सव आगे बढ़ रहा था। कैलाश पर भोलेनाथ को पता चला कि गोकुल में कन्हैया आ गया है और मैं लेट हो गया। तो भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि देवी, मैं भगवान के हर रूप का दर्शन करता हूं, अब की बार कैसे चूक गया, मैं भी जा रहा हूं दर्शन करने। और भोलेनाथ ने अपना श्रृंगार किया, क्योंकि कन्हैया श्रृंगार प्रिय है। कन्हैया के सामने जब भी जाओ तो पूरे सज धज करके जाओ, श्रृंगार करके जाओ, अच्छा लगता है प्रभु को, क्योंकि कन्हैया भी पूरे सजे धजे रहते हैं ना। भगवान कृष्ण के मंदिर में कहीं भी देखो पूरा श्रृंगार में रहता है वो, राजा की तरह, चाहे द्वारिकाधीश हो, सांवरिया सेठ की तो बात ही छोड़ो, वो तो पूरा सेठ बनकर के ही रहता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में चले जाओ, जहां भी राजा की तरह रहते हैं, सज धज कर। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।